हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम ME 209 के अंदर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में चैप्टर 2 कटिंग टूल मटेरियल्स एंड कटिंग टूल के बारे में अध्ययन करेंगे। कटिंग टूल मटेरियल्स, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कटिंग टूल कितनी तरह के होते हैं, किस तरह के बनते हैं, मल्टी पॉइंट क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है। अब हम उसके मटेरियल के बारे में अध्ययन करेंगे, कटिंग टूल किस मटेरियल का बना होता है ना। तो हम देखते हैं कटिंग टूल कितना हार्ड होना चाहिए, जिस मटेरियल को हम मटेरियल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कटिंग टूल का मटेरियल। कटिंग टूल मल्टी पॉइंट बना रहे हैं या सिंगल पॉइंट बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कितनी स्पीड से उसको चला रहे हैं, कितना मटेरियल उसके अंदर उतारना है। तो इन सब चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं कटिंग टूल का कौन सा मटेरियल हम यूज़ करें, क्योंकि आजकल जो मेटलर्जी इतनी एडवांस हो गई है और मटेरियल्स के अंदर इतना एडवांस बना गया है कि आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल उपलब्ध हैं जो कई 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हार्ड रहते हैं और उससे भी ज़्यादा उनकी कटिंग पावर्स होती है। तो इस तरह के मेटलर्जी के अंदर और इतना डेवलपमेंट होने की वजह से हमारे पास कटिंग टूल की मटेरियल्स की बहुत बड़ी रेंज है, और इस वजह से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के कटिंग टूल्स यूज़ में करते हैं, और उससे हमारी मशीनिंग की एबिलिटी भी बहुत अच्छी हो गई है। बहुत फिनिश हम कटिंग टूल बना सकते हैं, बहुत स्पीड से हम काट सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कटिंग प्रोसेस डन इन द डिफरेंट कंडीशन, कि कटिंग प्रोसेस बहुत तरह से हैं जो अलग अलग कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि करते हैं। जैसे कि ड्रिलिंग करते हैं, होल करते हैं तो वो भी मटेरियल कटिंग है, लेथ मशीन पे काम करते हैं तो वो भी टर्निंग करते हैं तब उसके अंदर मटेरियल उतारते हैं, फिर हम थ्रेडिंग करते हैं तो मटेरियल उतारते हैं, उस प्लेनर के अंदर यूज़ करते हैं, शेपर के अंदर यूज़ करते हैं, मिलिंग मशीन में हमें कुछ गियर बनाना है तब हम मटेरियल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें टूल को कहाँ यूज़ करना है, उसके हिसाब से हम उसका मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। इन सच कंडीशन अलोंग विद द जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टूल दे नीड सम यूनिक प्रॉपर्टीज़, और हम एक सभी टूल्स की जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती है उस पर भी निर्भर करता है। अब जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि टूल है वो कटिंग मटेरियल से हार्ड होना चाहिए, टूल का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि हमें बार बार उसको घिसना नहीं पड़े, एक बार अगर हम उसको तैयार कर लें एज तो काफ़ी टाइम तक वो हमारे पास रहे, टूल के अंदर कभी जंग नहीं लगना चाहिए, टूल हर सबसे बड़ी बात टूल हाई टेम्परेचर पे भी उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे या उसकी फंक्शन में कोई इफ़ेक्ट नहीं आए, है ना, इस तरह की, या टूल से जो बनने वाली सतह है वो बहुत अच्छी फिनिश्ड बने जैसा हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें टूल्स की आवश्यक होती है। उसके बाद इंडिविजुअल डिपेंड करता है किस मशीन पर हम यूज़ कर रहे हैं, ड्रिलिंग मशीन पे कर रहे हैं, मिलिंग मशीन पे कर रहे हैं, लेथ मशीन पे कर रहे हैं या हैंड टूल है, तो इन सब पे डिपेंड करता है टूल का मटेरियल और टूल। तीसरा पॉइंट है, टू अचीव दिस प्रॉपर्टीज़ कटिंग टूल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, इस तरह से हम कटिंग टूल, क्योंकि कटिंग टूल में बहुत वेरिएशन है मशीनिंग प्रोसेस में, अलग अलग मशीन के लिए, अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस के लिए अलग अलग मटेरियल को हमें करना है, मटेरियल का कितना ज़्यादा उसके अंदर उतारना है, हमारा वर्क क्या है, प्रिसीजन वर्क है या रफ वर्क है, तो इन सब बातों पे डिपेंड करते हुए हम क्या करते हैं कि अलग अलग मटेरियल के कटिंग टूल बनाते हैं ताकि हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा हो। द मटेरियल चूजन फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल टू बी मशीन, टाइप ऑफ मशीनिंग, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको अभी हिंदी में बताया वही इंग्लिश में बोल रहे हैं कि मटेरियल जो चूज़ करते हैं हम पर्टिकुलर किसी टूल का, वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है किन बातों पर निर्भर करता है कि टाइप ऑफ मशीनिंग किस तरह की मशीनिंग कर रहे हैं, क्वांटिटी कितने पीस की एक साथ करनी है, उसकी क्वालिटी क्या रहती है, सरफेस फिनिश क्या लेनी है, तो इन सब बातों पर निर्भर करता है। अब सबसे बड़ी बात है कटिंग टूल जो हम बनाते हैं वो स्टील का बनाते हैं। तो स्टील का, जैसे कि आपने पिछले मटेरियल साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ द स्टील, फिर भी मैं आप एक स्लाइड के अंदर आपको सिंपल इसके अंदर इंट्रोडक्शन दे दूं कि स्टील क्या होता है। हम आम बोलचाल की भाषा में लोहा बोलते हैं, आयरन, आयरन और स्टील में फ़र्क है।
तो स्टील इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। स्टील है वो वर्ल्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। या हम कह सकते हैं जिस कंट्री में ज़्यादा स्टील का उपयोग हो रहा है, खपत हो रही है, इसका मतलब उस कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ना। उस कंट्री में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन विथ टिपिकली अ फ्यू परसेंट ऑफ कार्बन टू इम्प्रूव इट्स स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर रेजिस्टेंस कम्पेयर टू आयरन। स्टील एक आयरन और उसमें दूसरे कार्बन का यौगिक है, अलॉय मतलब एक वो यौगिक धातु है, मतलब प्योर आयरन नहीं है। आयरन के अंदर कुछ परसेंटेज हमने कार्बन डाल दी, क्या करने के टू इम्प्रूव इट्स स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू आयरन। आयरन के फ्रैक्चर रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने कुछ परसेंटेज मात्रा के अंदर उसको अंदर कार्बन या दूसरे पदार्थ को जब हम मिला देते हैं आयरन के अंदर तो वो स्टील बन जाता है। तो स्टील एक अलॉय धातु है, यानी कि दो धातुओं का मिश्रण है, मिश्र धातु बोलते हैं इसको। एक मिश्र धातु है जिसके अंदर कार्बन का बहुत कम मात्रा में कार्बन का और दूसरे मेटल्स का इसके अंदर मेटल या नॉन मेटल का इसके अंदर क्या होता है मिश्रण होता है। स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन कोटिंग्स। कार्बन कंटेनिंग लेस देन 2% कार्बन। स्टील में क्या होता है आयरन होता है, 98% आयरन होता है, 2% और उससे भी कम परसेंट में कार्बन होता है, 1% मैगनीज होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये सब नॉन मेटल मटेरियल इसके अंदर हम डालते हैं। इन सब के मिश्रण से एक मिश्र धातु बनती है जिसको हम स्टील बोलते हैं, और हिंदी में अगर आपने सुना हो तो उसको हम इस्पात का नाम देते हैं। ये इस्पात स्टील एक ही है। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर निकल अगर मिला दें, निकल और क्रोमियम, निकल क्रोमियम अगर इस स्टील के अंदर और मिला दें तो इसकी एक खास क्वालिटी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कि स्टेनलेस स्टील बन जाता है, यानी कि फिर उसमें कभी जंग नहीं लगता है ना। निकल और क्रोमियम इसके अंदर और मिला दें तो फिर उसमें जंग नहीं लगता है और उसका वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम स्टील को स्टेनलेस स्टील में बना देते हैं, जो हमारे बर्तन आते हैं जिसके अंदर कभी जंग नहीं लगता है, जो हमारे दरवाजे के जो भी हैंडल वगैरह आते हैं ये ऐसे इसके बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के। तो ये बात, अब हम इस स्टील को एज ए टूल मटेरियल यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब हम आगे चलते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ टूल मटेरियल। टूल मटेरियल का किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण टूल मटेरियल का, टूल की जो धातु है उसका हम किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड द टूल्स आर क्लासिफाइड इनटू, टूल को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कार्बन टूल स्टील पहला, दूसरा हाई स्पीड स्टील, तीसरा सीमेंटेड कार्बाइड स्टील, चौथा सिरेमिक टूल्स, पांचवा क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड टूल CBN और पांचवा है डायमंड टूल्स। तो इतनी तरह के हम टूल, इसके अलावा भी और होते हैं लेकिन ये मेन जो अपने लेवल का पढ़ने का उसमें इतने हम करीब 7 तरह के टूल इसमें बनाते हैं। फिर कार्बन स्टील, सबसे पहला था कार्बन स्टील टूल क्या होते हैं। कार्बन टूल स्टील इज़ वन ऑफ द इनएक्सपेंसिव मेटल कटिंग टूल यूज्ड फॉर लो स्पीड मशीनिंग ऑपरेशन। कई 100 सालों से हम इस कार्बन स्टील को यूज़ कर रहे हैं एज ए टूल मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही कार्बन जब स्टील में की में परसेंटेज बढ़ता है तो इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, हार्डनेस और ब्रिटलनेस टूल की बढ़ जाती है और वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने से हम इसको टूल के रूप में यूज़ करते हैं और ये सबसे सस्ता वाला टूल मटेरियल है जो कि लो स्पीड मशीनिंग के ऊपर काम करता है। यानी कि अगर हम ज़्यादा स्पीड से नहीं कर सकते हैं मटेरियल, जो मटेरियल है लेथ मशीन है उसके ऊपर घूम रहा है तो वो जो टूल या जॉब जो घूम रहा है उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, जैसे कि 50 RPM 40 RPM 50 RPM पे हम घूम के, और अगर कम स्पीड में कम मटेरियल रिमूव करना हो तो ये एक बहुत सस्ता और सिंपल सा टूल मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं कार्बन स्टील टूल मटेरियल। दीज प्लेन कार्बन स्टील कटिंग टूल हैव द कंपोजिशन ऑफ 0.6 से 1.5% कार्बन होता है, है ना। जैसे कहा था 2% से कम होता है स्टील के अंदर, तो 0.6 से लेके 0.15
परसेंट तक कार्बन होता है, आयरन तो होता ही है, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लेस देन 0.5% मैगनीज और सिलिकॉन डालते हैं। तो तीन तरह के मिश्रण से एक धातु बनती है, एक तो आयरन होता है और दूसरे ये नॉन मेटल्स हैं जिसके अंदर हम सिलिकॉन और कार्बन डालते हैं और मैगनीज डालते हैं। मैगनीज इसके अंदर मेटल के रूप में आता है। तो ये तीनों मिलके एक जो मिश्र धातु बनती है जिसको हम प्लेन कार्बन स्टील बोलते हैं। अदर मेटल लाइक क्रोमियम वैनेडियम आर एडेड टू चेंज द हार्डनेस एंड ग्रेन साइज। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्रोमियम कुछ मात्रा में और वैनेडियम डालते हैं, तो उससे उसकी हाइड्रोजन उसकी हार्डनेस और बढ़ जाती है और उसकी ग्रेन साइज भी बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम इसकी मेटलर्जी के अंदर देखें तो जो ये जब मेल्ट होकर और अंदर इसकी ग्रेन्स जो बनते हैं, वापस सॉलिडिफाइड होता है ये, तो ग्रेन्स जो बनते हैं जिसकी ग्रेन साइज़ बहुत अच्छी होने से ये एक हार्ड मटेरियल बन जाता है और टूल के रूप में ये अच्छा काम में आता है। द हाई कार्बन स्टील आर एब्रेजन रेजिस्टेंस एंड हैव द एबिलिटी टू मेंटेन शार्प कटिंग एजेस। ये एक बहुत एब्रेजन रेजिस्टेंट होता है और इसकी एबिलिटी होती है कि ये एक हार्ड मटेरियल बन जाता है और शार्प कटिंग एज बनती है। इसकी कटिंग एज बहुत अच्छी, हम अगर ग्राइंड करते हैं टूल ग्राइंडर के ऊपर तो शार्प कटिंग एज बनती है। तो कार्बन स्टील क्या करता है, तो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, तो कार्बन स्टील पॉजेस अ गुड मशीनेबिलिटी। इससे मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी आती है। मशीनेबिलिटी से हमारे तात्पर्य कि हम किस चीज़ की मशीनिंग करें तो जो जो बनता है वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छा बन जाता है, जैसे हम चाहते हैं वैसे डायमेंशन प्राप्त हो जाते हैं। तो यानी कि उसके ऊपर मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी हो रही है, तो जो कार्बन स्टील टूल है उससे हमें अच्छी मशीनेबिलिटी प्राप्त होती है। तो ये सबसे पुराना सबसे सस्ता एक टूल मटेरियल है। कार्बन स्टील के बारे में और कहा जाता है कि दिस मटेरियल लूजेज देयर हार्डनेस रैपिडली एट द टेम्परेचर अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इसकी कमी है कि 250 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है टूल, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था टूल और जॉब के बीच में अगर घर्षण से उसके ऊपर चिप घूमती है तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर 250 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये खुद टूल जो है उसके ऊपर इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, यानी खुद बहुत जल्दी घिस जाता है जब 250 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको कम स्पीड पे और कम मटेरियल रिमूवल के ऊपर फीड भी कम देते हैं, डेप्थ ऑफ भी कट कम देते हैं और कम स्पीड पे इसको चलाते हैं और बिल्कुल शार्प करके चलाते हैं, तब हीट कम जनरेट होगी और हम इसको कर सकते हैं। यानी बहुत सावधानी से इसको चलाना पड़ता है। देयरफॉर इट कैन यूज़ हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। तो इसको क्या हाई टेम्परेचर कंडीशन में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इस डज नॉट प्रिफर इन अ मॉडर्न मशीनिंग ऑपरेशन। और ये मॉडर्न मशीनिंग ऑपरेशन में ये काम में नहीं आता है, पुरानी या छोटी लेथ के ऊपर ये काम आता है। आजकल जितनी भी नई मशीन है उसके अंदर ये काम नहीं आएगा। द कार्बन स्टील टूल इज यूज्ड इन ट्विस्ट ड्रिल्स। ड्रिल के अंदर यूज़ आता है, मिलिंग मशीन में यूज़ आता है, टर्निंग एंड फॉर्मिंग टूल्स में काम आता है। यूज्ड फॉर सॉफ्ट मटेरियल सच एज ब्रास एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। यानी कि क्योंकि हमें पता है कि ये ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर पर इसके हार्डनेस खो देता है, तो ये ऐसे सॉफ्ट मटेरियल है जैसे ब्रास जिसको हम बोलते हैं, पीतल, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इस तरह के जो मेटल्स हैं उनकी मशीनिंग करने के अंदर ये काम में आता है, जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। और यानी कि टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम कर सकता है और हार्डनेस इसकी है अप टू 65 HRC। हार्डनेस हम क्या करते हैं, ये एक हार्डनेस रॉकवेल हार्डनेस है, रॉकवेल RC रॉकवेल हार्डनेस जिसका इंडेक्स होता है, जिसको बोलते हैं 65। ये इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है इसका मतलब वो ज़्यादा मटेरियल ज़्यादा हार्ड है। तो 65 हार्डनेस तक ये रहता है और हम इससे कम हार्डनेस वाले मटेरियल को इससे मशीनिंग कर सकते हैं। नंबर दो आता है हाई स्पीड स्टील। पहले वाला क्या था, आपने पिछला था वो कार्बन स्टील, अब ये कह रहा हाई स्पीड स्टील, जैसे ही नाम से दिया जाता है। जो पिछला वाला कार्बन स्टील था उसके अंदर हम क्या ज़्यादा स्पीड से नहीं करते, लो स्पीड से, यानी आप कहें तो 50 RPM 30 RPM पे जाकर हमारा जॉब चल रहा है। लेकिन ये फिर हमने बाद में ऐसा डेवलप किया जिसके अंदर हाई स्पीड स्टील आ जाती है। तो दिस इज़ अ हाई कार्बन स्टील विद अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अलॉयिंग एलिमेंट। ये एक हाई कार्बन स्टील है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है
1.5% से भी ज़्यादा है विद अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अलोइंग एलिमेंट। इसके हम दूसरी अलोइंग एलिमेंट डालते हैं, कौन कौन से है? इसमें मिश्र धातु डालते हैं, दूसरी धातुओं का अंश होता है इसमें टंगस्टन, जो बहुत हार्डेस्ट मानी जाती है, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, ये भी हम उसके अंदर डालते हैं। उससे ये क्या होता है कि इतना कठोर बन जाता है और ये हाई स्पीड पे भी अच्छा वर्क करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाई स्पीड स्टील टू इम्प्रूव हार्डनेबिलिटी, टफनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस। तो हम भी कह सकते हैं कि हाई कार्बन स्टील के अंदर कार्बन के परसेंटेज से ज़्यादा होती है, उसके अलावा उसकी अन्य मिश्र धातुओं में हम टंगस्टन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि हम उसको इम्प्रूव करते हैं, हमारी जो आयरन है या स्टील की क्वालिटी को क्या इम्प्रूव करते हैं, उसकी हार्डनेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसकी टफनेस बढ़ जाती है और वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इन तीन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसके अंदर अन्य मिश्र धातुओं की थोड़ी थोड़ी अल्प मात्रा इसमें मिलाते हैं, जिससे कि ये एक हाई कार्बन स्टील बनता है, जिसके टूल से हम टूल बनाते हैं। इट गिव्स अ हाई मेटल रिमूवल, यानी कि हाई स्पीड पर काम कर ही रहा है, फिर इसकी हायर मेटल रिमूवल रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि हम अगर इसको 100 RPM पे करेंगे तो एक तो एक टूल को हम 50 RPM तक ही रख सकते हैं, एक को 100 RPM पे रखेंगे तो 100 RPM पे मतलब उसकी मटेरियल रिमूवल रेट डबल हो जाएगी, तो ज़्यादा मटेरियल उसके अंदर से रिमूव होने लगेगा। तो इस टूल से हमारा वर्क जल्दी होता है, जल्दी मटेरियल रिमूव होता है। इट लूजेज इज हार्डनेस एट द मोडर टेम्परेचर 650। जैसे कि पिछले बार पढ़ा था अपन ने, हाई कार्बन स्टील 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही कार्बन इसकी हार्डनेस लूज़ हो जाती है, इसके अंदर ये 650 के टेम्परेचर के ऊपर अपनी हार्डनेस को ये थोड़ी इसकी कम हो जाती है। देयरफॉर अ कूलेंट शुड बी यूज टू इंक्रीज द टूल लाइफ। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कूलेंट डालते हैं। जब कूलेंट इसके ऊपर डालते हैं तो हम उसको 650 डिग्री टेम्परेचर होने नहीं देते उस जोन का, जहाँ पे टूल और वर्क पीस दोनों मिल रहे हैं, उस जगह हम क्या करते हैं, टूल ठंडा कूलेंट डालते हैं। टूल कूलर क्या करता है, ठंडा करता है, उसका टेम्परेचर उस जो मशीनिंग जोन का जो टेम्परेचर है वो 650 से ज़्यादा नहीं होने देता, और जब नहीं होने देगा तो वो क्या होगा कि ठंडा रहेगा तो हमारा टूल काफ़ी अच्छा रहेगा और मशीनिंग अच्छी होगी और हमारी मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा रहेगी। HSS हाई स्पीड टूल के बारे में हम और कह सकते हैं कि इट कैन यूज़ मेनी टाइम्स बाई रीशार्पनिंग। इसको हम क्या करते हैं, एक बार ख़राब हो जाता है, इसकी शार्प अगर वो ब्लंट हो जाती है तो हम इसको वापस रीशार्प करते हैं, तो एक रीशार्पनिंग करने से दूसरे रीशार्पनिंग तक हम कहते हैं कि उसकी टूल लाइफ है, जितने घंटे वो काम करता है तो हम कह सकते हैं भाई कि ये 20 घंटे 30 घंटे एक साथ काम कर सकता है, यानी कि एक बार उसको ग्राइंड करेंगे, उसके बाद दूसरी बार जब उसको ग्राइंड करेंगे तो एक ग्राइंड से दूसरे ग्राइंड के बीच का जो वक्त होता है उसको टूल लाइफ बोलते हैं। और टूल लाइफ हम क्या करते हैं, तो इस तरह से ये टूल को हम बार बार रीशार्प करके हम काम में ले सकते हैं। सम सरफेस ट्रीटमेंट इज डन ऑन HSS टू इम्प्रूव दिस प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी को और भी इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे पहले हमने इसके अंदर मोलिब्डेनम और ये मिला के इसकी प्रॉपर्टी रफनेस, वियर रेजिस्टेंस और टफनेस बढ़ा दी थी, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो टूल है इसके ऊपर सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अंदर ये चार तरह के सरफेस ट्रीटमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि सुपर फिनिश कर दिया उसकी सतह को तो उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, है ना, तो इसकी टूल लाइफ और बढ़ जाएगी। फिर नाइट्राइडिंग कर देंगे हम, क्या करें ऊपर वाली सतह का नाइट्राइडिंग कर देंगे। नाइट्राइडिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इसको गर्म करके और नाइट्रिन पानी में डुबो देते हैं ताकि उसकी ऊपर की सतह और कड़क हो जाती है, तो उसके वेयर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है नाइट्राइडिंग से, तो इसकी टूल लाइफ अगेनिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। तीसरा क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, यानी कि जैसे कि अपने स्टील के ऊपर जो क्रोमियम की परत चढ़ी होती है हमारे दरवाजे के हैंडल वगैरह के ऊपर, इस तरह से हम क्या करेंगे अगर उस टूल के ऊपर हम क्या करें क्रोमियम की परत चढ़ा देंगे तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगी और इस तरह से टूल लाइफ बढ़ जाएगी। और हम ऑक्सीडेशन कर दें उसका गर्म करके और एकदम उसको ठंडा करें हवा में तो उसका रिड्यूस फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन कम होने से टेम्परेचर कम रहेगा जो कॉन्टैक्ट जोन कटिंग जोन का, तो इस तरह हम इसकी टूल लाइफ को बढ़ा सकते हैं और इसको ज़्यादा उपयोग में ले सकते हैं। अब आता है हाई स्पीड स्टील, वापस जो बताया हाई स्पीड स्टील टूल आर यूज इन दिस, ये जो हमने पढ़ा अभी तक हाई स्पीड टूल
ये कहाँ का यूज़ मिलता है? ड्रिल्स में, क्योंकि ड्रिल के अंदर काफ़ी आरपीएम ज़्यादा होते हैं, हम हाई स्पीड से करना पड़ता है। आपने देखा वो ड्रिलिंग करते हैं, अपन जब ड्रिलिंग करते हैं तो उसके आरपीएम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हाई ड्रिलिंग के अंदर, मिलिंग के अंदर इस कटर यूज़ करते हैं हम। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर, लेथ के अंदर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से तीन जो मेन मशीनें हैं जहाँ पर हम HHS हाई स्पीड स्टील टूल को यूज़ करते हैं, और चौथा है ब्रोचेस के अंदर। ब्रोच क्या होता है, एक बार में हम क्या करते हैं, जोर से टूल चलाते हैं और हमारे जो होल है उसको या तो बड़ा करना हो या होल के अंदर कोई हमें थ्रेड या स्लॉट्स काटने हो तो एक साथ ब्रोचिंग करते हैं। तो जो ब्रोचिंग मशीन है उसके टूल्स भी हाई स्पीड स्टील के बनते हैं। इसकी टूल की क्या क्वालिटी है, ये 30 से लेकर 50 मीटर पर मिनट, या आरपीएम में नहीं दिया, मीटर पर मिनट, यानी कि इसकी लीनियर वेलोसिटी दी है टूल की, 50 से लेकर 30 मीटर पर मिनट तक टूल इस स्पीड तक ये काम कर सकता है। टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अच्छा काम कर सकता है, और हार्डनेस इसकी अप टू 67% HRC जो मैंने बताया, इसके 67% तक होती है। ये दो टाइप में आता है, टी टाइप का HSS और एम टाइप का। टी टाइप के अंदर क्या होता है, टंगस्टन की क्वांटिटी ज़्यादा, जब हम इसे मिश्र धातु करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, तो टंगस्टन की कंटेंट बढ़ा देते हैं, यानी कि 0.1% या इतना कुछ उसके अंदर बढ़ा देते हैं टंगस्टन की मात्रा। तो उसके अंदर टंगस्टन की मात्रा बढ़ने से ये टी टाइप का टूल हो जाता है, और बहुत सी बार हम क्या करते हैं उससे हार्डनेस बहुत बढ़ जाती है, वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उसका। फिर एम टाइप में, यानी कि मोलिब्डेनम हम उसके अंदर ज़्यादा डालते हैं, तो मोलिब्डेनम अगर हम उसके अंदर बढ़ा देते हैं तो मोलिब्डेनम टाइप का HHS बन जाता है, जो कि उसके अंदर उसकी सरफेस फिनिश को क्या करता है, वो स्मूथ बनाता है। इस तरह से हम इसकी और टूल लाइफ बढ़ा सकते हैं, दो तरह का इसके अंदर वो होता है। तीसरा आता है हमारे पास कोबाल्ट स्टील, है ना, कोबाल्ट स्टील आता है तीसरी तरह का टूल जो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कोबाल्ट स्टील इज अ वेरिएशन ऑफ हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील विद हायर कंटेंट ऑफ कोबाल्ट। वही कह रहा है, मतलब कोबाल्ट वही है, हाई स्पीड स्टील ही है, उसके अंदर कोबाल्ट का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। यानी कि पिछली बार पढ़ा हो गया हमने कि टी टाइप, एम टाइप, तो अब तो तीसरा पढ़ा ये कोबाल्ट, यानी कि उसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा ज़्यादा है। टी टाइप में टंगस्टन की ज़्यादा थी, एम टाइप में मोलिब्डेनम की ज़्यादा थी। अब हम पढ़ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि कोबाल्ट स्टील, तो कोबाल्ट स्टील के जो टूल बनते हैं, कोबाल्ट स्टील जो टूल मटेरियल है उसके अंदर इज़ द वेरिएशन ऑफ द हाई स्पीड स्टील विद अ हायर कंटेंट ऑफ कोबाल्ट। इसमें कोबाल्ट जो हम मिश्र धातु मिला रहे हैं वो ज़्यादा होता है, कोबाल्ट को हम थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा कर देते हैं, प्रेडोमिनेंट कर देते हैं, तो ये स्टील जो बनता है वो कोबाल्ट स्टील कहलाता है। कॉमन ग्रेड्स M35, M42 कहलाता है। वो क्या कहलाता है, M35 या M42 कहलाता है, हैविंग 5% and 8% रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जैसे ये बता रहा है कि M35 कोबाल्ट स्टील में 5% कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट होता है, और M42 जो टूल मटेरियल कोबाल्ट स्टील का था उसमें 8% कोबाल्ट होता है। तो ये कोबाल्ट क्या करता है, इसको इसकी जो हाई टेम्परेचर पर काम करने की इसकी शक्ति बढ़ा देता है। लिखा हुआ दीज स्टील्स, यानी कोबाल्ट स्टील M35, M42 आर आइडियल फॉर कटिंग टूल्स बिकॉज दे हैव अ हाई रेड हार्डनेस। ये क्या करता है कि ज़्यादा रेड हार्डनेस, यानी कि रेड तप्त होने के बाद भी ये मटेरियल हार्ड रहता है, तो ये हाई हीट रेजिस्टेंट है। यानी कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हमें मशीनिंग करनी है, मशीन ऐसी जगह जहाँ पर हम ज़्यादा टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते, टेम्परेचर कूलेंट डालने के बाद भी टेम्परेचर क्या उसके में ज़्यादा होगा, तब हम क्या करते हैं, कोबाल्ट स्टील को यूज़ में करते हैं। एंड दिस अलाउज टूल्स मेड ऑफ कोबाल्ट टू बी रन एट फास्ट स्पीड एंड हायर फीड। इसकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर 100 RPM 200 RPM पे चलाएंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा हो जाएगी और फीड भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब हमें वो डर नहीं है कि यह हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारी स्ट्रेंथ खो देगा, क्योंकि हमने इसके अंदर कोबाल्ट डाल के इसकी जो हाई हीट रेजिस्टेंस बना दिया है, अभी ज़्यादा हीट के ऊपर काम कर सकता है। इसलिए स्टील कोबाल्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा टूल को ज़्यादा टेम्परेचर पर काम कर सकता है, तो वहाँ पर ये
फास्टर स्पीड पे काम करेगा, हाई फीड हम देंगे और हमारा मटेरियल जल्दी रिमूव हो जाएगा और ये जल्दी वर्क इससे एकम्प्लिश हो जाता है। फिर आपको चौथा आता है सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स एंड सरमेंट्स। सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स अभी हमने पढ़ा था कोबाल्ट टूल, कोबाल्ट टूल के बाद सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स। सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल इज प्रोड्यूस्ड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक। अब सबसे पहले सीमेंटेड कार्बाइड टूल को हम क्या करते हैं, पाउडर मेटलर्जी की टेक्निक से प्रोड्यूस करते हैं। मेटलर्जी आपने पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं धातु एक्सट्रक्शन, यानी कि किस तरह से ओर से धातु को निकालना, एस से धातु को बाहर निकालने का जो संपूर्ण प्रोसेस होता है उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। तो ये पाउडर मेटलर्जी है, यानी हम पाउडर फॉर्म में मेटल्स को बना के फिर उसके अंदर हम उसका मिश्रण करते हैं, मिश्र धातु बना के, और फिर उस पाउडर को ही हम सिंटर्ड करते हैं, गर्म करते हैं और फिर ठंडा करके और उसका जो मटेरियल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पाउडर मेटलर्जी टेक्निक, है ना। क्योंकि मैंने आप शुरू में जैसे बताया था इस लेक्चर के कि आजकल मेटलर्जी के अंदर इतना एडवांसमेंट हो गया है कि हमें इतने अच्छे अच्छे मटेरियल उपलब्ध हैं, तो हम क्या टूल्स भी बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हैं। आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले ये इतने अच्छे टूल हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। उस वक्त हम हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील और HHS इन्हीं से काम चलाते थे। अब हम टूल के अंदर मेटलर्जी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि हम नया मटेरियल बनाते हैं, नए से हार्ड मटेरियल बनाते हैं, जो क्वालिटी हम चाहते हैं वो क्वालिटी इसके अंदर देने के लिए दूसरे धातुओं का मिश्रण करते हैं और एक बहुत ही अच्छी धातु बनाते हैं। तो इसी तरह से एक पाउडर मेटलर्जी एक टेक्निक है जिसके द्वारा सीमेंटेड कार्बाइड टूल बनाना संभव हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन, टाइटेनियम, टेंटेलम कार्बाइड विथ कोबाल्ट एज बाइंडर। जिसे हमने बताया कोबाल्ट डालने से क्या होता है, इसकी हीट रेजिस्टेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ये टूल ज़्यादा टेम्परेचर पर काम कर सकता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर सकता है। अब उसकी स्ट्रेंथ या वियर रेजिस्टेंट बढ़ा, यानी कि वो घिसे नहीं, घिसन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर टंगस्टन डालते हैं जो बहुत हार्ड मटेरियल होता है, टेंटेलियम डालते हैं और टाइटेनियम। इन सब का मिश्रण बना के हम क्या करते हैं, पहले इन सब का मिश्रण लेते हैं, फिर लास्ट में बाइंडर डालते हैं। बाइंडर जो दूसरी सभी पार्टिकल्स के, बारीक पार्टिकल्स को बाइंड कर देता है, है ना। तो इस तरह से जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं, रोटी मिलाते हैं, तो उसके अंदर कुछ मैदा डालते हैं, तो उससे क्या होता है, वो दूसरे मटेरियल को एक साथ बाइंड कर देता है, है ना। कभी हम कोई रोटी बनाते हैं मिस्सी, तो उसके अंदर थोड़ा बेसन डालते हैं, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा बाइंडर का काम करता है, मिलाने का काम करता है। तो इसी तरह से टंगस्टन, टाइटेनियम और आयरन, तो ही आयरन, टंगस्टन, कार्बन, ये सब डालने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके अंदर टंगस्टन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेलम कार्बाइड, ये डाल के कोबाल्ट डाल के और फिर कोबाल्ट डालते हैं, तो वो बाइंडर तरह काम करता है और एक मजबूत, बहुत ही मजबूत हमें क्या बनाता है, एक मेटल बनाता है जो कि हमारे टूल के रूप में काम आती है। और ये बहुत ही एडवांस, बहुत अच्छी होती है, हाई टेम्परेचर पे, हाई रेजिस्टेंस काम कर सकती है। तो और यदि इसके अंदर हम क्या, व्हेन द बाइंडर इज निकल और मोलिड बाइंडर, मतलब अगर हम कोबाल्ट की जगह इसके टाइटेनियम टंगस्टन और टाइटेनियम कार्बाइड के अंदर अगर हम कोबाल्ट के स्थान पर निकल या मोलिब्डेनम एज अ बाइंडर यूज़ करें, तो ये फिर हम इसको सीमेंटेड कार्बाइड की जगह सरमेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, सरमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से ये दो बेसिक फ़र्क है सीमेंटेड कार्बाइड में और सरमेंट में, कि सीमेंटेड कार्बाइड बाइंडर कोबाल्ट यूज़ में ले आता है, जबकि दूसरे सारे मिश्र धातु वो सेम है। और अगर उस कोबाल्ट जब हम निकल या मोलिब्डेनम में यूज़ करें तो उसको हम सरमेंट बोलते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड के टूल्स की क्या क्या विशेषताएं हैं ये इसके अंदर बता रहा है। सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत हार्ड होता है। दे कैन विदस्टैंड वेरी हाई स्पीड कटिंग ऑपरेशन, बहुत हाई स्पीड, यानी कि हम इसके अंदर 500 डिग्री 600 RPM पे काम कर सकते हैं, और इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री भी हो जाए तो हम उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं।
दे कैन विदस्टैंड वेरी हाई स्पीड कटिंग ऑपरेशन, बहुत हाई स्पीड पे हम कटिंग ऑपरेशन में करने में समर्थ हो जाते हैं। एंड कार्बाइड टूल डज नॉट लूज देयर हार्डनेस अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर हमारा कटिंग जोन का टेम्परेचर होगा जहाँ पे टूल और हमारा जॉब मिल रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न हो रही, वह 1000 डिग्री भी हो जाती तब भी कार्बाइड टूल अच्छा काम करता है और इसकी हार्डनेस को लूज नहीं करता है। अ हाई कोबाल्ट टूल इज यूज फॉर रफ कट के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि रफ कट के अंदर क्या होता है, एकदम इस सडन इसके ऊपर जर्क आते हैं और एकदम वो ज़्यादा जर्क आते हैं टूल के ऊपर, रफ कट लगाते हैं यानी कि मटेरियल बहुत ज़्यादा पड़ता है शुरू जॉब में, जब फिर बाद जब एक दो रफ कट लग जाते हैं उसके बाद फिर फाइन कट लगाते हैं, तो फाइन कट के अंदर डेप्थ ऑफ कट भी कम होती है और टूल के अंदर सिमेट्री भी आ जाती है, तो जब रफ कट के अंदर वो सिमेट्रिकल नहीं होता है तब हमें बहुत ज़्यादा टूल टूटने का डर रहता है, तो ये रफ कट के अंदर ये बहुत हार्ड और रोबस्ट टूल होता है तो उसको हम यूज़ करते हैं। हाई कोबाल्ट टूल इज़ यूज फॉर रफ कट, वाइल द लो कोबाल्ट टूल यूज फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन, तो जिसमें कोबाल्ट की परसेंटेज ज़्यादा होती है वो रफ कट के यूज लेते हैं और जिसमें कोबाल्ट की परसेंटेज कम रखते हैं वो फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। कटिंग स्पीड जैसे बताया 60 से लेकर 2000 मीटर पर मिनट, जो करीब 500-600 आरपीएम से भी ज़्यादा बैठती हैं, और टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इस पर काम कर सकते हैं। इतनी डिग्री टेम्परेचर पे जो लोहा होता है वो तो बिल्कुल गल जाता है ना, तो भी वहाँ वो ये काम कर सकता है। और इसकी हार्डनेस कितनी होती है, 90, पिछली बार पढ़ा था हमने वो 60-50, ये इसकी रॉकवेल हार्डनेस है HRC, वो 90 तक होती है इसकी इंडेक्स। अब आता है टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड द मटेरियल इज यूजली कार्ड सीमेंटेड कार्बाइड, सॉलिड कार्बाइड, हार्ड मेटल और टंगस्टन कार्बाइड। जैसे कि सीमेंटेड कार्बाइड का ये एक परिष्कृत रूप है, उसमें थोड़ा सा और हम चेंज कर देते हैं और ये टंगस्टन कार्बाइड बन जाता है। सीमेंटेड कार्बाइड के अंदर हम टंगस्टन, टाइटेनियम और टाइटेनियम इसके अंदर यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसमें हम क्या करते हैं कि मटेरियल इज यूजुअली कार्ड सीमेंटेड कार्बाइड, इसको हम सीमेंटेड कार्बाइड भी बोलते हैं बहुत सी बार, सॉलिड कार्बाइड बोलते हैं, हार्ड मेटल बोलते हैं या टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट बोलते हैं, टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट बोलते हैं। इट इज़ मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, ये क्या है, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट है, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था पिछली स्लाइड के अंदर, ये एक पाउडर मेटलर्जी में काम आता है। पाउडर मेटलर्जी में क्या होता है, एक मैट्रिक्स बनती है, एक धातु की मैट्रिक्स बनती है और दूसरा धातु उसमें डाल के और उसके अंदर एक कंपोजिट बाइंडर होता है, कंपोजिट बनाते हैं पाउडर मेटलर्जी से, फिर उसका सिंटरिंग करते हैं और एक वो हार्ड मटेरियल के रूप में जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में इसकी छोटी सी बिट बनाते हैं, पूरा नहीं बनाते हैं, छोटी सी बिट बनाते हैं। आगे आपको बताएंगे किस तरह से बिट बनती है और किस तरह से वो लगता है। तो इट इज़ ए मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, ये मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट है, ये जो टर्म है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, ये पाउडर मेटलर्जी की टर्म है, मेटलर्जी की टर्म है। वेयर द टंगस्टन कार्बाइड पार्टिकल्स आर एग्रीगेट, टंगस्टन पार्टिकल तो क्या है, एग्रीगेट के रूप में रहते हैं, एंड मेटेलिक कोबाल्ट, कोबाल्ट उसके अंदर सर्व एज मैट्रिक्स, कोबाल्ट मैट्रिक्स की तरह सर्व करता है और ज़्यादा उसके अंदर क्या होता है, टंगस्टन होता है, फिर कोबाल्ट का उसके ऊपर छिड़काव करते हैं तो एग्रीगेट में मेन चीज़ तो टंगस्टन कार्बाइड होता है, फिर उसके अंदर हम कोबाल्ट उसको डाल के और फिर उसको मेटल में से कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं, कंपोजिट मेटल बनाते हैं। टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन का जो केमिकल फॉर्मूला है W है और कार्बाइड का C, तो टंगस्टन कार्बाइड जिसको WC के नाम से भी जाना जाता है इज़ एन इनऑर्गेनिक नॉन नेचुरल कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और नॉन नेचुरल कंपाउंड है, कंपोज्ड ऑफ टंगस्टन एंड कार्बन, टंगस्टन और कार्बन से मिलकर बना होता है इसलिए हमें टंगस्टन कार्बाइड बोलते हैं, ये लेबोरेटरी में बनाते हैं हम दोनों को मिला के, इसलिए नॉन नेचुरल, नेचुरल में नहीं मिलता है, नेचुरल में टंगस्टन अलग मिलता है मेटल और कंपाउंड, और ये हमें कार्बन अलग मिलता है, दोनों का मिलाते हैं तो टंगस्टन कार्बाइड बन जाता है, लेबोरेटरी में बनाते हैं। मोनो टंगस्टन कार्बाइड, अब एक आता है टंगस्टन कार्बाइड में मोनो होता है, विच इज़ स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड इज़ ऑफ मेजर टेक्निकल रिलेवेंस। टंगस्टन कार्बाइड एक बहुत ही अच्छा और हार्ड मटेरियल है जो कि इस टूल
मटेरियल में सबसे टॉप पे आता है, डायमंड के बाद यही आता है। डायमंड सबसे हार्ड होता है, लेकिन टंगस्टन कार्बाइड एक बहुत ही अच्छा टूल मटेरियल माना जाता है। अब आते हैं सिरेमिक्स। सिरेमिक्स का आपने देखा होगा, जो अपन इसको एक आम भाषा में अगर आप देखो चीनी मिट्टी के कप प्लेट वगैरह बनते हैं तो वो सिरेमिक होती है। एक्चुअली ये एल्यूमिना ऑक्साइड होती है और सिलिकॉन नाइट्राइड, इन दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं। ये भी नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मोस्ट कॉमन सिरेमिक मटेरियल्स आर द एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन नाइट्राइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या है, सिलिकॉन नाइट्राइड है, जो कि दोनों को मिक्स करने से एक मिश्र एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन नाइट्राइड की मिश्र धातु बनाते हैं, उसको हम सिरेमिक्स बोलते हैं, है ना। जो कि आम बोलचाल में एक बहुत लो क्वालिटी का सिरेमिक, जो आपकी चाय की प्याले या बोन चाय ने चाय के प्याले जो होते हैं वो वाले आप कहलाते हैं अपन, है ना। पाउडर ऑफ सिरेमिक मटेरियल कंपैक्टेड इन इंसर्ट शेप देन सेंटर्ड एट अ हाई टेम्परेचर। तो जब सिरेमिक का जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन नाइट्राइड को हम बिल्कुल बारीक पाउडर बना के पाउडर मेटलर्जी से इनको बहुत कॉम्पैक्ट किया जाता है, एकदम कॉम्पैक्ट किया जाता है, और फिर उनको सेंटर्ड करते हैं। सेंटर्ड करते हैं भट्टी में एक स्पेशल टेम्परेचर तक इनको गर्म करते हैं, थोड़ी देर उसमें रखते हैं, फिर धीरे धीरे इनको हवा में या इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, रैपिडली ठंडा करते हैं। तो ये एक सेंटर्ड प्रोसेस होता है, उसके द्वारा हम क्या इसको बनाते हैं और इसके इंसर्ट बनाते हैं, छोटे छोटे शेप तिकोने हैं। आगे बताएंगे आपको, शायद अगली शिफ्ट में ही आ जाएगा। तो इस तरह के इनके अंदर छोटे छोटे शेप बनाते हैं। तो ये पाउडर मेटलर्जी से बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन नाइट्राइड इनके पाउडर को सिंटरिंग प्रोसेस। ये सिंटरिंग प्रोसेस भी क्या है, मेटलर्जी का प्रोसेस है। हम भट्टी में इसको कुछ निश्चित एक टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको सिंटर्ड करके फिर इसको वापस ठंडा किया जाता है, कुछ देर टेम्परेचर पर रखा जाता है, सिंटरिंग फर्नेसेस आती है उसमें किया जाता है। तो सिरेमिक टूल्स आर केमिकली इंसर्ट एंड प्रोसेस्ड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। सिरेमिक टूल आर केमिकली इंसर्ट, ये केमिकली इंसर्ट एंड प्रोसेस रखता है रेजिस्टेंस कोरोजन, इसमें जंग नहीं लगता कभी भी। तो जहाँ ऐसी कंडीशन है जहाँ बस जंग लगता है टूल के अंदर बार बार, वहाँ हम क्या करते हैं सिरेमिक टूल्स को यूज़ में करते हैं। क्योंकि ये सिरेमिक टूल क्या है, ये पाउडर मेटलर्जी से बनता है और इसमें जंग नहीं लगता है, हाई रेजिस्टेंस टू द कोरोजन। दे हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोले तो जब हम इसको अगर किसी से प्रेस करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए क्योंकि टूल के अंदर अगर हम काम को मटेरियल रिमूव करेंगे तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही ज़्यादा वहाँ पर चाहिए। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो टूल की लाइफ काफ़ी दिन तक ज़्यादा रह सकती है, है ना। एंड दे आर स्टेबल अप टू द 1800। ये देखो पिछले वाला था हमारा, वो था टंगस्टन कार्बाइड, वो 1000 डिग्री सीमेंटेड कार्बाइड, वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन सिरेमिक से वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी स्ट्रेंथ रहती है, स्टेबल रहता है, टूटता नहीं है और अच्छा काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि आज हम इतने हो गए 1800 डिग्री टेम्परेचर भी जहाँ पे हो रहा है, अगर कटिंग जोन का टूल और कट जाए मिल रहे हैं वहाँ पे भी हम इसको कर सकते हैं। इसका मतलब हम बहुत तेज स्पीड से बहुत ज़्यादा मटेरियल एक बार में उतार सकते हैं। तो ये सब मॉडर्न टूल्स हैं आजकल, जो कि नई मेटलर्जी के अंदर इतना डेवलपमेंट होने की वजह से हम आज इतने इनेबल हुए हैं। दे आर देन 10 times फास्टर देन है, जैसे ये हाई स्पीड स्टील से 10 गुना भारी, वो 180 डिग्री टेंक या 200 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अपना वो खो देता है। तो ये कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलते हैं, तो हम इसको बहुत तेज स्पीड से चला के काम में ले सकते हैं। इसलिए सिरेमिक एक बहुत ही अच्छा टूल मटेरियल है जो मॉडर्न बड़ी बड़ी मशीनों में काम में आता है। फिर आता है सिरेमिक में और क्या, द फ्रिक्शन बिटवीन टूल फेस एंड चिप आर वेरी लो, बहुत कम है, एंड पोजेस लो हीट, और ये बहुत ही कम हीट प्रोसेस करता है, ये अपने अंदर हीट समा के नहीं रखता है, है ना। एंड फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड फेस, टूल और फेस चिप जो उसके ऊपर निकलती है इस तरह से रेक में, तो वो चिप
में इसका फ्रिक्शन कम होने की वजह से ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होती है, एंड इसकी हीट कंडक्टिविटी भी बहुत कम है, कम हीट लेता है, ये तो खुद गर्म नहीं होता है, एंड यूजुअली नो कूलेंट इज़ रिक्वायर्ड। और इसको बनाने में हमें कूलेंट भी ऊपर से नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग कूलेंट ऊपर से डालते हैं तो हमें नज़र नहीं आता कि हमारे किस तरह की कटिंग हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि कूलेंट भी नहीं डालें। तो ऐसी जगह जहाँ पर हम कूलेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह का टूल यूज़ करते हैं, जब बिना कूलेंट के और हम बड़ा आसानी से इसको देखते हुए मशीनिंग कर सकते हैं, मशीनिंग भी अच्छी होती है। दे प्रोवाइड वेरी एक्सेलेंट सरफेस फिनिश, ये बहुत ही एक्सेलेंट सरफेस फिनिश देता है। एग्जाम में बहुत अच्छी सरफेस फिनिश चाहिए, वहीं पे हम इसका यूज़ करते हैं। आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, आपको बताएंगे किस तरह सिरेमिक यूज़ होता है। कटिंग स्पीड 300 से 600 mm पर मिनट होती है, यानी कि 300 से 600 मीटर पर मिनट जिसकी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, उस वेलोसिटी से भी कटिंग स्पीड हो तब भी हम कर सकते हैं। ये बहुत हाई कटिंग स्पीड है, इस कटिंग स्पीड पे भी हम क्या कर सकते हैं, इससे यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो, टेम्परेचर कितना हो, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर काम कर सकता है। एंड हार्डनेस अप टू 93 HRC, यानी कि अब तक सबसे ज़्यादा HRC वाला हम कह सकते हैं कि इसकी हार्डनेस सबसे ज़्यादा है। अब आता है स्टेलाइट। स्टेलाइट इज़ अ रेंज ऑफ कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज, कोबाल्ट और क्रोमियम दोनों के मिश्र धातु हैं जिसको हम स्टेलाइट बोलते हैं। डिजाइनेटेड फॉर द वियर रेजिस्टेंस, ये वियर रेजिस्टेंस इसमें सबसे ज़्यादा होता है, उस लिए जानी जाती है। यानी कि स्टेलाइट एक ऐसा टूल मटेरियल है जो कोबाल्ट और क्रोमियम मिलके मिश्र धातु मिलके बनता है, कोबाल्ट और क्रोमियम दोनों को मिश्रण करने पर जो धातु बनती है उसकी सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है कि वो वियर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि उसके अंदर घर्षण कम होता है, वियर कम होता है उसका, चलने पर वो कम घिसती है ना, वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये जो मिश्र धातु है, द अलॉयज में ऑल्सो कंटेंट टंगस्टन, मॉलिब्डेनम एंड स्मॉल बट इम्पोर्टेंट अमाउंट ऑफ कार्बन। ये जो टंगस्टन होती है, ये अलॉयज में ऑल्सो कंटेन रखता है, टंगस्टन भी हो सकता है इसके अंदर, कोबाल्ट और क्रोमियम तो होता ही है, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और स्मॉल अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होता है, इनसे मिलके एक स्टेलाइट धातु बनती है। अब इसके अंदर स्टेलाइट अलॉयज आर ग्रुप ऑफ कोबाल्ट क्रोमियम सुपर अलॉयज, कोबाल्ट और क्रोमियम जब दोनों मिलते हैं तो एक सुपर अलॉयज के रूप में काम करता है, सुपर अलॉयज होता है, कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बाइड्स इन एन अलॉय मैट्रिक्स predominantly designed for high wear resistance and superior chemical and corrosion performance in hostile environment। यानी कि बोला जाता है कोबाल्ट और क्रोमियम की जब हम स्टील में डालते हैं तो वो सुपर अलॉयज कहलाता है। तो ये सुपर अलॉयज है, इसके अंदर थोड़ी मात्रा में कार्बाइड्स भी होता है, एंड ये हाई वियर रेजिस्टेंस के लिए बनाते हैं, यानी कि वियर आउट होना, यानी कि घर्षण से घिसने वाला ये बहुत नहीं होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है। और सुपर केमिकल कोरोजन, सुपर ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल या जहाँ एसिड का ज़्यादा वर्क होता है, ऐसी होस्टाइल गर्म इन्वायरमेंट या मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट या केमिकल जहाँ गिर रहा, ऐसी जगह अगर हम क्या करते हैं कि मशीनिंग करनी होती है तो इस स्टेलाइट वाले टूल मटेरियल के टूल बना के हम करते हैं। स्टेलाइट द नॉमिनल केमिकल कंपोजिशन इसमें होता है 27 से 32% क्रोमियम होता है, 4 से 6% टंगस्टन होता है, 0.9 से 1.4% कार्बन होता है, विद एडिशन इसके अंदर निकल होता है, आयरन होता है, सिलिकॉन होता है, मैगनीज होता है, एंड मोलिब्डेनम एंड कोबाल्ट। इतनी चीज़ों से बनके स्टेलाइट बनता है। तो ये बहुत ही सुपर अलॉयज है, ये बहुत अच्छा अलॉयज है, बिल्कुल मॉडर्न अलॉयज है। एज बैलेंस इट इज़ अ टू फेज अलॉयज, ये टू फेज अलॉयज होता है, इनके अंदर आधे पहले ऊपर वाले होते हैं उसको एक फेज में इनको अलग करते हैं, फिर दूसरे जो मटेरियल है इनको दूसरे फेज में उसके अंदर मिलाते हैं। तो ये एक मेटलर्जी का है कि ये टू फेज अलॉयज कहलाता है। विथ क्रोमियम कार्बाइड माइनर फेज के अंदर आते हैं, क्रोमियम और कार्बाइड है वो माइनर फेज में आते हैं, विच हैज़ बीन शोन टू हैव आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस टू बोथ इरोजन एंड कोरोजन। ये इरोजन यानी घर्षण विरोधी होता है और ओरोजन घिसने का विरोधी होता है, कम घिसता है और उसके ऊपर जंग भी नहीं लगता है,
तो एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है जिसके अंदर इतने ज़्यादा, इसके अंदर हम क्या करते हैं अलॉयज मिश्र करके धातु करके बनाते हैं। इट इज़ द हार्डनेस कैपेसिटी इज 50 HRC, इसकी हार्डनेस कैपेसिटी 50 रॉकवेल हार्डनेस होती है। अब मैंने आपको बताया है कि ये जो अपन टूल बनाते हैं तो ये पूरा एक लंबा टूल नहीं होता 8-7%, ये इतना ज़्यादा महंगा टूल है क्योंकि इसके अंदर देखो इतनी क्रोमियम है, इतनी टंगस्टन है, इतनी कार्बन है, तो ये टूल बहुत महंगा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे टूल के बजाय सिर्फ ये टूल टिप बनाते हैं, ये आपको बताएंगे, अलग अलग शेप में, डायमंड शेप में है, ये स्क्वायर शेप में है, राउंड शेप में है, तीखे शेप में। तो ये सब आपको सीमेंटेड कार्बाइड, कार्बाइड टंगस्टन टूल, कोबाल्ट टूल, ये सरमेट्स, इन ये सब इनके बनाते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, एक सिंपल ये वाले टूल शैंक के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि इतना पूरा टूल बनाने में हमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये देखो इसके, ये 100 पार्ट में भी इस पूरे टूल के 100 टुकड़े करें उसके बराबर एक ही आ जाता है, या 50 टुकड़े करें तो उसके बराबर आया। तो एक हमें सिर्फ इतना सा ही पूरा बनाना पड़ता है ना, पाउडर मेटलर्जी से या दूसरी मेटलर्जी से हम इसको बना के सेंटरिंग प्रोसेस से हम ये वाला टूल बिट्स बनाते हैं, इसको इंसर्ट्स बोलते हैं। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टूल कटिंग टूल एंड इंसर्ट्स, ये इंसर्ट हम इस पूरे टूल, ये शेंक है, इस पूरे शेंक में यहाँ पर अगर ये ट्रायंगुलर बिठा दिया, या हमने ये रेक्टेंगुलर डायमंड शेप का बिठा दिया, इस तरह से ये हम इसके ऊपर लगा के ऊपर यहाँ पे इसको स्क्रू से, नट से टाइट कर देते हैं, और हम क्या करते हैं फिर इसको मशीन के ऊपर लगा के काम करते हैं। तो ताकि ये अगर घिस जाए तो इसको हम चेंज करके वापस दूसरा लगा सकते हैं। और देखो इसकी दो शेप है, इधर से भी काम ले सकते हैं, इधर से भी काम ले सकते हैं, इधर से भी, इधर 4 बार इसको काम में ले सकते हैं, जब ये घिस जाता है फिर हम दूसरा ले सकते हैं। तो ये इसलिए इसको टूल और टूल इंसर्ट्स बताया जाता है। ये मैंने जैसे बताया था ये टूल इंसर्ट है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए है, जैसे कार्बाइड का और किसी का बना हुआ है, हाई स्पीड स्टील का नहीं, ये टंगस्टन कार्बाइड या सरमेट्स का या सीमेंटेड कार्बाइड्स का बना हुआ है। वो हम ये देखो टूल है जो टूल पोस्ट पे लगा हुआ है, उसके अंदर हमने यहाँ पर ये देखो इस वाले को हमने यहाँ पर फिट कर दिया, इस बिट को, इसको टूल इंसर्ट्स बोलते हैं। इस टूल इंसर्ट को यहाँ फिट करके और यहाँ पर हमने क्या इसको जो नट से बिल्कुल टाइट कर दिया। अब हम इसके ऊपर थ्रेडिंग काट रहे हैं, तो कितनी फिनिशिंग से थ्रेडिंग आ रही है, यहाँ में कूलेंट वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, ये चिप निकल रही है, इसको बोलते हैं चिप, ऐसी ही निकलती रहती है, तो ये चिप निकल रही है, चिप का और इसका जो घर्षण एरिया है वो भी कम हो जाता है, फ्रिक्शन भी कम हो जाता है, और हीट भी कम जनरेट होती है, और बहुत फास्ट से तेज़ी से काम होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टूल मटेरियल है वो इस तरह से इसके अंदर काम भी करते हैं। फिर आपको बिट्स एंड ब्रेज्ड टूल, बहुत सी बार क्या होता है कि हमें जो टूल बड़े बड़े बनाते हैं तो पूरा टूल नहीं बना के हम क्या कर टूल बिट्स बनाते हैं, ये टूल बिट कहलाती है, चाहे हाई कार्बन स्टील की हो, हाई स्पीड जनरली कार्बन की है, या सिरेमिक टूल की है। तो ये सिरेमिक की या सीमेंटेड कार्बाइड की या टंगस्टन कार्बाइड की हमने ये टूल बिट अलग अलग शेप में बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम उसको ब्राजिंग करते हैं, ये लिखा हम ब्राज्ड टूल, यानी कि चिपका देते हैं और फिर एक ब्राजिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ब्रास को पिघला के और टूल को और इसको बिल्कुल चिपका देते हैं। तो ये टूल के ऊपर चिपकी हुई ब्रेस्ड है ये सब, तो जब हम चलाते हैं तो ये चलती है, घिस जाती है, फिर हट जाती है, फिर हम क्या दूसरी इसके ऊपर लगा देते हैं। ये टूल की शेंक कहलाती है, जो हम ऑर्डिनरी आयरन से स्टील से बना देते हैं, तो हमें सिर्फ टूल का इतनी सी बिट बनानी पड़ती है, इसको टूल बिट भी बोलते हैं। तो ये टूल बिट को हम इस टूल के ऊपर अलग अलग शेप में लगा देते हैं, राइट हैंड कटिंग टूल, लेफ्ट हैंड कटिंग टूल है ना, और बोरिंग टूल, और ये सब इसका लगा देते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लेथ मशीन के ऊपर काम आ सकता है, शेपर पर काम आ जाता है, प्लेनर पर काम आता है, तो ये सब हम करके बनाते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं टूल बिट्स एंड ब्रेस्ड, ब्रेस्ड मतलब एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इसके ऊपर ब्रेजिंग करके उसको चिपकाई जाती है। अब आता है सबसे लास्ट में डायमंड्स। इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल नॉन एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल आज तक हमें पता है और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, यानी खर्चीला होता है डायमंड। इट पॉजेस वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, एंड द मेल्टिंग पॉइंट, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है,
ये आज तक नेचर में प्राप्त होने वाले सबसे हार्ड मेटल होता है डायमंड, हीरा जिसे बोलते हैं, जिसको हम जो अच्छा क्वालिटी का हीरा होता है उसको तो हम जेवर वगैरह में नगीने अंगूठे में लगाने के यूज करते हैं, लेकिन जो थोड़ी लो क्वालिटी का आता है जिसमें इतनी ज़्यादा चमक नहीं होती है वो हीरा हम क्या करते हैं कि कटिंग टूल में यूज़ में लिया जाता है। इसके आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो इसकी बहुत ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है यानी कि, और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ये बिल्कुल पिघलता नहीं है। डायमंड ऑफर्स एक्सेलेंट एब्रेजन रेजिस्टेंस और इसका घिसन रोधी होता है, ये ज़्यादा घिसता नहीं है। लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसका फ्रिक्शन गुणांक कम होता है, घर्षण गुणांक कम होता है। लो थर्मल एक्सपेंशन और गर्मी पाके कम फैलता है, थर्मल एक्सपेंशन कम होता है। तो ये अपनी हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अपना शेप बनाए रखता है और काम करता है। इट इज़ यूज इन मशीनरी वेरी हार्ड मटेरियल सच एज कार्बाइड्स नाइट्राइड्स ग्लास। तो कार्बाइड नाइट्राइड ग्लास ये ऑलरेडी बहुत हार्ड हैं, उनको ये हम क्या करते हैं उनके ऊपर मशीनिंग करने के लिए हम डायमंड यूज़ करते हैं ना। जब उससे कोई टूल बनाते हैं तो टूल के ऊपर जो मशीनिंग करनी पड़ती है तो फिर हम डायमंड से करते हैं। डायमंड टूल गिव्स अ गुड सरफेस फिनिश, बहुत अच्छी सर्फेस करती हैं एंड बहुत अच्छी डायमेंशनल एक्यूरेसी देते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हमारा जॉब बनता है ना। दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर मशीनिंग स्टील, लेकिन स्टील के मशीनिंग करने के लिए इसको मना किया गया कि स्टील की मशीनिंग हम इसके द्वारा नहीं करते हैं। डायमंड टूल के एग्जांपल मैंने दिए हैं यहाँ पे, ये देखो ये डायमंड्स हैं। तो ये डायमंड ये नहीं, ये डायमंड बिट के ऊपर, ये सिर्फ इतना सा डायमंड लगा नोक पे, ये डायमंड लगा पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे सिंगल पॉइंट बना, ये सिर्फ पॉइंट के ऊपर ये इसकी ब्राजिंग की हुई है। डायमंड को हम ब्राज करके इस बिट पर लगा, फिर इस बिट को उठा के हम यहाँ लगाते हैं और इस तरह से इसको यहाँ से इसको से कर देते। तो सिर्फ डायमंड इतने से पोर्शन पर लगा हुआ है तो बहुत कम डायमंड हम यूज़ करें, लेकिन ये डायमंड भी काफ़ी दिनों तक चल जाता है, इसकी टूल लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये डायमंड है और ये हमारी टूल शैंक है, इसके ऊपर टूल, ये टूल शैंक कहलाती है, इसके ऊपर ये बिट लगी हुई इंसर्ट, और इंसर्ट के ऊपर ये छोटा सा डायमंड टिप के ऊपर, इसको डायमंड टिप्स भी बोलते हैं बहुत, तो वो लगाते हैं और ये काम करता है। इसी तरह से जैसे मार्बल कटिंग या बड़े बड़े पत्थर ग्रेनाइट काटना हो तब हम इस तरह का पूरा बड़ा फ्लाईव्हील की तरह लेते हैं और उसके इसके ऊपर इसे भी डायमंड्स के, ये डायमंड्स की बिट लगा देते हैं छोटी छोटी, यहाँ पे डायमंड्स लगाई हुई हैं। तो ये एक आरा मशीन की तरह चलता है, कटर चलता है, डायमंड कटर बोलते हैं तेज स्पीड से, और ये पत्थर या जो ग्रेनाइट बहुत हार्ड होता है तो ग्रेनाइट को भी काट देता है। इसी तरह सिंगल पॉइंट टूल के अंदर हम यहाँ भी ये आगे बिल्कुल डायमंड बिट्स लगे हुए, ये वाले ये डायमंड बिट्स लगे रहते हैं और ये टूल हमारा उसके अंदर लग जाता है और ये अपना काम करता है। इसी तरह दूसरे ये ग्राइंडिंग के लिए, ये देखो सब ये ग्राइंडिंग करने के लिए काटने के लिए, ये हमने लीजिए इसके ऊपर डायमंड के बहुत बारीक बारीक जो टुकड़े हैं वो उसके ऊपर पेस्ट किए जाते हैं, चिपका जाते हैं। ये सब टूल मटेरियल हैं, हमें होल करना है, होल करने के लिए, होल को बड़े करने के लिए, ब्रोचिंग के लिए, ये सब हम इतने सारे टूल्स इसके अंदर लगाते हैं। सबके ऊपर डायमंड्स के बारीक बारीक टुकड़े लगे हुए हैं, यहाँ भी डायमंड्स के बारीक टुकड़े लगे हुए हैं। और अगर आपने देखा होगा कहाँ ग्लास काटने के लिए जो कटर होता है उसके ऊपर भी डायमंड टिप लगी रहती है, वो इस तरह का ही होता है, और इस तरह का होता है हम उसको ग्लास से डायमंड से ग्लास कटिंग करते हैं। लास्ट में आता है सर आपका क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड CBN। CBN इज़ द सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल आफ्टर डायमंड। डायमंड के बाद सबसे हार्ड मटेरियल जो है वो CBN, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड टूल्स मे बी यूज्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल सॉलिड टिप्स, छोटी सी टिप्स, जैसे डायमंड टिप्स होती है वैसी होती है, 0.5 से 0.1 mm थिक, इतनी छोटी होती है डायमंड। और हम क्या कर सकते हैं कि 0.5 से 0.1 mm थिक लेयर किसी पॉलीक्रिस्टलाइन बोरोन नाइट्राइड होता है उसकी परत चढ़ा देते हैं टूल के आगे, तो वो टूल क्या बहुत मजबूत हो जाता है ना। नाइट्राइड सेंटर्ड इनटू अ कार्बाइड सबस्ट्रेट, यानी कार्बाइड सबस्ट्रेट के ऊपर हम क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड की या तो टिप लगा देते हैं छोटी सी, जैसे हमने बताया था यहाँ ये जैसे डायमंड की लगी इसी तरह हम यह ये छोटी सी टिप क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड के लगा दें, या इनके ऊपर हम क्या करें यहाँ पर भी क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड का हम सब जगह स्प्रे करके और यहाँ पे एक छोटी परत जमा दें तो भी ये क्या हो जाएगा काम कर सकता है, डायमंड टूल की तरह काम करेगा, है ना। इस तरह से काम करता है द कार्बाइड बोरोन नाइट्राइड प्रोवाइड्स
शॉक रेजिस्टेंस, ये शॉक रेजिस्टेंस होता है, चलते चलते एकदम शॉक आ जाता है हमारा चलने में, एकदम रुक जाती है, तेज स्पीड हो जाती है, तो ये शॉक रेजिस्टेंस से टूटता नहीं है। एंड क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइन लेयर प्रोवाइड्स अ हाई वेयर रेजिस्टेंस, यानी कि ये घिसने के अंदर इसकी प्रतिरोध क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल से घिसता है ये वाला, है ना। एंड कटिंग एज बहुत, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है, कटिंग एज एक बार अपने बनाई तो काफ़ी टाइम, यानी कि टूल लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड इज द स्टैंडर्ड चॉइस फॉर मशीनिंग अलॉयज एंड टूल स्टील विद ए हार्डनेस ऑफ 50 रॉकवेल हार्डनेस और हायर। टिपिकल कटिंग स्पीड इसकी 30 से 310 मीटर पर मिनट तक होती है। अब आती है कोटिंग्स। अभी तक हमने जो टूल्स पढ़े हैं वो टूल्स की, या तो हम पूरा टूल्स बनाते हैं जैसे कि कार्बन स्टील में, या कार्बाइड संघर्षण कार्बाइड, या सेरमेट्स में हम क्या इंसर्ट्स बनाते हैं ट्रायंगुलर वगैरह जो टूल के ऊपर लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि टूल बना के उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, है ना। कोटिंग जैसे कलर करते हैं अपन, है ना, उसी तरह से कोटिंग करते हैं, यानी कि एक पतली सी परत हम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं एक अच्छे मटेरियल की, ताकि वो टूल हमारा मजबूत हो जाए, है ना। तो कोटिंग्स आर फ्रिक्वेंटली अप्लाइड टू कार्बाइड टूल्स टिप्स टू इम्प्रूव टूल लाइफ और इनेबल हायर कटिंग स्पीड। जो कार्बाइड टूल्स हैं उसके ऊपर अगर हम और भी ये क्यूबिक नाइट्रो बोरोन की उसके ऊपर परत चढ़ा दें तो वो दरअसल कोटिंग हो गई, है ना। तो कोटेड टिप्स टिपिकली हैव अ लाइफ ऑफ 10 times ग्रेटर देन द अनकोटेड टिप्स। जो कोटेड टिप्स होती हैं, यानी कि जो हमने टिप्स बनाई उसके ऊपर अगर हम कोटेड हार्ड मटेरियल की कोटिंग कर दें तो उनकी टूल लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम कोटिंग करते हैं। कोटिंग वैसे ही जैसे कि अपन कोई अगर चम्मच और स्टील है, अंदर से लोहे का होता है, ऊपर निकल पॉलिश कर देते हैं तो वो निकल की कोटिंग कहलाती है ना। हमारे जितने भी दरवाजों के हैंडल वगैरह होते हैं तो इसके ऊपर ये अंदर से तो ब्रास का, या सॉरी अंदर से तो ये स्टील का होता है, लेकिन ऊपर हम इसके अंदर निकल की कोटिंग कर देते हैं तो एकदम चमकते थे। उसी तरह से हम अगर हमारे टूल की जो बिट्स हैं कार्बाइड टूल, तो इनके ऊपर अगर हम हार्ड मटेरियल या कार्बन बोरॉन नाइट्रेट CBN की अगर हम कोटिंग कर देते हैं तो इनकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। तो कॉमन कोटिंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग टाइटेनियम नाइट्राइड, टाइटेनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यूजुअली 2 से 15 माइक्रोन थिक हम कोटिंग करते हैं। जो कोटिंग मटेरियल है वो जनरली टाइटेनियम नाइट्राइड है या टाइटेनियम, क्योंकि टाइटेनियम एक बहुत हार्ड मटेरियल है, तो टाइटेनियम नाइट्राइड, टाइटेनियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन सब की अगर हम कोटिंग कर दें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो सिरेमिक हो गया, तो सिरेमिक की कोटिंग या टाइटेनियम की कोटिंग अगर हम कर देते हैं, और वो कितनी पतली होनी चाहिए, 2 से 15 माइक्रोन पर मीटर, माइक्रोन का मतलब 10^-6, इतनी पतली थिक, इतनी पतली वाली अगर हम उसके ऊपर कोटिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा टूल की है वो लाइफ 10 गुना बढ़ जाती है। ऑफन द सेवरल डिफरेंट लेयर्स मे बी अप्लाइड वन ऑन टिप टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ द टिप। टिप के ऊपर हम कई पर कोटिंग कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कितना मटेरियल काटना है, कौन से मटेरियल के लिए यूज़ करना है, तो उस तरह हम कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग दो तीन तरह, किस तरह के कोटिंग करने के 3-4 प्रोसेस हैं। टेक्निक्स यूज फॉर अप्लाइंग द कोटिंग, एक तो केमिकल वेपर डिपोजिशन है, कौन सा है, केमिकल वेपर डिपोजिशन, कि हम क्या करते हैं केमिकली उसकी वेपर बनाएं और वो वेपर यानी कि वाश बनाएं टाइटेनियम की वगैरह, और उसके अंदर हम क्या कर दें मटेरियल को रख दें, हमारे टूल बिट को तो वापस वाश इसके ऊपर जम जाएगी, तो इसको हम कहते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन, यानी केमिकल रिएक्शन से हम उसके ऊपर डिपॉजिट कर दें। फिर प्लाज्मा असिस्टेड CVD, एक प्लाज्मा है, प्लाज्मा मतलब हम जिस मटेरियल का डिपोजिशन करना है टाइटेनियम पर उसको प्लाज्मा के फॉर्म में ले आएँ, यानी कि इतना गर्म कर दें कि वो बिल्कुल एकदम उसके मोलिकुलर से भी छोटे पे वो उतर जाए, यानी कि बिल्कुल प्लाज्मा के फॉर्म में आ जाए, है ना, बिल्कुल प्लाज्मा के फॉर्म में आ जाएगा तो फिर उसके ऊपर वो कोटिंग लगा देंगे, हो जाएगा। फिजिकल वेपर डिपोजिशन हो जाए, यानी कि उसका डिपोजिशन क्या हो जाए, फिजिकल वेपर डिपोजिशन करते हैं, जैसे कि हम स्प्रे करते हैं उसको, फिजिकली वेपर करते हैं, कलर करते हैं गाड़ी के ऊपर स्प्रे करते हैं, इस तरह हम रख के और उसका जो मटेरियल है हमारे पास टाइटेनियम वगैरह उसका स्प्रे कर देंगे तो वो स्प्रे हो जाएगा कलर कर दें, ये फिजिकल वेपर। डायमंड कोटिंग्स आर ऑल्सो यूज्ड एंड बींग फॉर द डेवलपर, डायमंड कोटिंग का भी यूज़ करते हैं डायमंड्स के बिल्कुल बारीक पीस के, और उसको केमिकली डिपॉजिट कर देते हैं तो ये कोटिंग हो जाती है।
दिस इज ऑल अबाउट, अपना ये सब हो चुका है। इसी तरह हार्डनेस एच आर है, टेम्परेचर एफ और एच आर सी इसके अंदर बताएगा। जो कार्बन स्टील है ये एक फिगर बताएगा, तुलनात्मक अध्ययन है हमारा अलग अलग चीज़ का, सिरेमिक का, कार्बाइड का, अलॉय का। कार्बन टूल है देखो वो जल्दी, वो 800 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में तो ये 200 करीब आएगा, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इसकी हार्डनेस क्या कर देता है, ये लूज़ कर देता है। तो ये वाला जो हमारे पास है ये कार्बन स्टील है, ये इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, यानी हाई टेम्परेचर के ऊपर इसकी हार्डनेस भी देखो कम है बिल्कुल। ये इधर तीन, ये कंपेरिजन वाला चार्ट है जिसके अंदर एक तरफ हार्डनेस दी गई है, ये हार्डनेस एक रॉकवेल है, और यहाँ पर हमें क्या दिया टेम्परेचर, टेम्परेचर और हार्डनेस के अंदर बताया गया है कि ये जो हमारा कार्बन टूल जो हम बनाएंगे ये 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाते जाते बिल्कुल इसकी हार्डनेस है वो लो हो जाएगी, हार्डनेस कम होती जाएगी, यानी कि हाई टेम्परेचर पर ये काम नहीं करेगा। लो टेम्परेचर यानी कि 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये बहुत अच्छा रहेगा, इसकी 80 हार्डनेस हो जाएगी, लेकिन आगे जाके इसकी हार्डनेस कम हो जाएगी, तो ये टूल की तरह ये अच्छा यूज़ नहीं है। फिर हाई स्पीड स्टील की थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी है इसके मुकाबले, ये चल रहा हाई स्पीड, ये रीज़न हाई स्पीड स्टील का। तो यहाँ देखो ये कितना आता है कि ये 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये 800 डिग्री तक अच्छा काम करता है फ़ारेनहाइट तक, जबकि हमारा ये कार्बन स्टील है 200 से 400 के बीच में अगर टेम्परेचर रखें फ़ारेनहाइट, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, इसकी हार्डनेस भी अच्छी रहती है। इसकी हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा है इससे कार्बन स्टील से, और ये करीब हम कहते हैं कि 600 से 800 डिग्री के 800 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद कास्ट अलॉयज़ हैं, वो कास्ट अलॉयज़ हैं, उनकी एच आर सी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, और वो भी 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अच्छी तरह से काम करते हैं, उनका हार्डनेस भी 50-60 से रहता है। फिर कार्बाइड टूल्स बहुत ही अच्छे होते हैं, ये सब बताया इतना रेंज है इनकी, ये 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी अपनी ज़्यादा नहीं करते हैं। और लास्ट में फिर क्या आता है सिरेमिक, जो सिरेमिक है वो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अपनी मेंटेन बनाए रखते हैं, यानी कि उनकी देखो हार्डनेस कितनी 90-95 रहती है, 1400 टेम्परेचर पे भी वो कम नहीं होती हैं। तो उसके बाद डायमंड्स आते हैं, तो ये सब का एक कंपेरिजन आपको दिया गया है, तो आप इससे समझ जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टूल मटेरियल्स, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, है ना, तो मेरे फ़ोन नंबर वगैरह इसमें दिए हुए हैं, आप पूछ लें, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।